कह सकते हैं वो हमें कंप्लीट सेट पूरे निकाल के दे सकते हैं। कितना होगा? तकरीबन 290। ये कलर नहीं है मेरे ख्याल से। कोई बात नहीं, ग्रीन भी चलेगा। नहीं ये कि वो आएंगे, स्नैक्स देना है उनको और जूस एंड एवरीथिंग प्रिपेयर करके रखी, लेकिन उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं। हेलो एंड वेलकम टुडे। आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन था, स्कूल के कुछ लोग आए थे जो कि पाकिस्तान में कभी भी नहीं होता। स्कूल के टीचर्स आए थे, इसके क्लास के दोनों टीचर्स आए थे, बिकॉज़ शी इज गोइंग टू द स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम, सो दे वांटेड टू कम एंड असेस एवरीथिंग के इसकी कोई एलर्जीज हैं। प्लीज गो एंड सिट ओवर देयर। एबिगेल को सरप्राइज मिलने वाला है और एबी बहुत एक्साइटेड है। सरप्राइज का रीजन ये है, वेरी स्वीट एंड शी वाज वेरी स्वीट विद द टीचर्स। यस, प्रिपरेशन की एबिगेल के टीचर्स के लिए कि वो आएंगे, स्नैक्स देना है उनको और जूस एंड एवरीथिंग प्रिपेयर करके रखी, लेकिन उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं। जस्ट उन्होंने हमें अपने सामने बिठाया पेरेंट्स को और वो बात करते रहे हमसे कि एबिगेल जो है उसकी कुछ एलर्जीज तो नहीं है, इज शी एक्साइटेड टू कम टू स्कूल और फ्रेंड्स बनाएगी, किस तरह से उसका बिहेवियर रहा है नर्सरी में और घर पे कैसा उसका बिहेवियर है, ये सारी चीजें उन्होंने हमसे पूछी हैं। यहाँ पे उनका मेन मकसद आने का ये था कि वो असेस करना चाहते थे कि बच्चा घर पे कितना कॉन्फिडेंट है, स्कूल में कितना कॉन्फिडेंट है। लेकिन अगर वो बच्चा घर स्कूल जाके डर जाता है, घबरा जाता है, तो वो एक अलग सिनेरियो है जिसको वो अलग तरीके से डील करेंगे, क्योंकि लंचेस आर फ्री फॉर द फर्स्ट टू इयर्स, मतलब इस साल और अगले साल हमें उसको लंच नहीं और देना। ऑनवर्ड्स भी जो मुझे टीचर ने बताया था ना, वो भी आगे भी इतना कॉस्ट नहीं है, मील्स थोड़े बड़े हो जाएंगे। बिल्कुल, तो वो दैट्स एन एडेड, वो फ्री भी दे सकती है हुकूमत, लेकिन वो चाहते हैं कि पेरेंट्स उसमें चिप इन करें। हमने उनसे बहुत सारी चीजें डिस्कस की। Unfortunately, we couldn't record it because that was a very short period of time. 10 minutes का विजिट था उनका। कल के दिन में और आज के दिन में, इन दो दिनों में, मंडे एंड ट्यूसडे, 23 चिल्ड्रन के घरों को विजिट करना है और घरों को खुद जाके विजिट करना है। ऐसा नहीं कि उनको बुला लिया एक जगह पे, सबको एक साथ बिठा के 10-10 मिनट के सेशन कर लिए। तो का बिहेवियर बहुत अच्छा लगा बच्चों के साथ। और हम जा रहे हैं बड़ा मुश्किल काम करने, एबिगेल के यूनिफॉर्म के लिए। एग्जैक्टली, तो यूनिफॉर्म लेने जा रहे हैं एबी का। वेयर आर यू? वेयर आर यू गोइंग? गोइंग टू बाय यूनिफॉर्म। आज का वेदर अच्छा है, सुबह से कल रात से बारिश हो रही है और सुबह में थोड़ी सी धूप निकल आई थी, अब फिर क्लाउडी हो गया। हाँ, शॉप नंबर वो दिया हुआ ना पर्चे पे, वो तो मुझे कार अच्छा पर्चा किधर गया? ये यू को यूनिफॉर्म उन्होंने बताया था ना शॉप से मिलता है। ओके, ये हम यूनिफॉर्म शॉप पे आ गए हैं, एक ही जगह से हमें सब कुछ मिल जाएगा। दैट्स फाइन। यहाँ पे ट्राई रूम भी है, तो आप अंदर ट्राई भी कर सकते हो अगर कोई साइज का आपको लग रहा है ऊपर नीचे। श्योर, एक दफा तुम ये भी पूछ लेंगे। अभी ये भी 3 और 4 ही उठाइएगा, ये है ना ग्रे। सही है, परफेक्ट। 1 और 1, या डन। ये इतने गंदे नहीं होंगे, वाइट शर्ट्स होती हैं। ये बैग बाद में देखें। ये पीई बैग है, but that's your school color, it doesn't matter if it's your favorite or not. It's not my favorite. यूनिफॉर्म तो हमें मिल गया था, पीई के लिए हम दूसरी शॉप में आके अब ढूंढ रहे हैं इसके शॉर्ट्स और शर्ट। ये कलर नहीं है मेरे ख्याल से। You want a unicorn one? यहाँ पे बारिशें बहुत ज्यादा होती है, तो ये रेन शूज तो मस्त है। बॉटल्स कौन? इसके वो भी लेने हैं ना पीई शू। आसिफ ये यहाँ पे देखें, इसके ब्लैक में लेने हैं हमने।
What are you doing, Abby? Watching. And what is all this? All this over here. What is this? Finally, your school things. यूनिफॉर्म की शॉपिंग हो गई है और काफी थक गए हम लोग आज. बाकी ये दिखा दें आप. ठीक है, इस तरह ये जो है जी इनका स्कूल का लोगो है. हैरिस प्राइमरी एकेडमी और हेलिंग पार्क. बिल्कुल, ये हमने एक्स्ट्रा लिए हैं टाइट्स, ग्रे टाइट्स एक्स्ट्रा ले लिए हमने, व्हाइट सॉक्स भी एक्स्ट्रा लिए हैं हमने. ठीक है, जिस वजह से थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया. और बीच में अभी की छोटी छोटी चीजें आ जाती हैं जो उसको पसंद आ जाती हैं. हाँ, ये ग्रीन और ब्लैक उन्होंने कहा था कि आपके होने चाहिए हेयर एक्सेसरीज जो हैं. ठीक है, ये बैग है. यहाँ पे स्कूल बैग्स वो भारी भरकम वाले नहीं होते. रिसेप्शन के लिए जो है वो ब्रीफकेस इस्तेमाल करते हैं. इसके अंदर जो है वो वीकली ये बैग जाएगा, हर मंडे को जाएगा, हर फ्राइडे को घर वापस आएगा. और ये है इनका पीई बैग. पीई किट होती है पूरी, जो कि पीई होती है, हमारे पाकिस्तान में कहते हैं इसको पीटी. पीटी पीरियड, फिजिकल ट्रेनिंग. यहाँ पे फिजिकल एक्सरसाइज पीई होता है, फिजिकल एक्सरसाइज. ये अलग बैग है उसका. मैं ये भी दिखा देती हूँ, ये दिखा दे, ये इस लोगो वाली शर्ट है. ठीक है, और ये सबसे अच्छी है रिवर्सिबल जैकेट. बारिश होगी तो इस साइड से पहन लें, साइड से पहन लें, नहीं तो नहीं तो आप इसको वार्म वाली साइड से भी ब्लैक पहन सकते हो. ब्लैक दोनों अंदर से जो है वो तो दोनों तरफ है, इस तरफ गर्म है और इधर भी है. लिटिल स्कर्ट्स, यस, क्यूट लिटिल स्कर्ट्स है इसके. और ये कैप वगैरह सब लोगोज वाले हैं, ग्लव्स, ये सब कुछ हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये खर्चा सिर्फ आपका एक्सपेंस होगा फर्स्ट टाइम में. उसके बाद तो चलता रहेगा, साल एक तो चल ही जाता है. अगर आप तीन चार शर्ट्स लेते हैं तो धुल धुल के वाइट शर्ट्स होती हैं, बच्चे गंदी करते हैं, तो तीन चार तो होनी चाहिए आपके पास. हमारा टोटल कितना होगा एक्सपेंस? तकरीबन 290 to 320 तक हमारा जो है वो एक्सपेंस आ चुका है. बिल्कुल, सिर्फ एक सिर्फ प्राइमरी स्कूल के बच्चे. तो हमने और दिखाए नहीं, ये रेन rain shoes, like if it's raining then she will wear those. ye wale hain, wait, and these, yes, ye school ke school shoes. to ab hum karte hain abhi ke school ki taiyari aur video ko karte hain end. sab bahut sara khayal rakhe, bye bye abhi se, bye.